पगड़ियां रख लेने से, पगड़ियां सजा लेने से दीन की ठेकेदारी नहीं मिल जाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, ये वीडियो गुजरावाला की है जो कि एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ का किला समझा जाता था, मगर आज नवाज़ शरीफ की आमद से पहले जब वहाँ पर उनकी बैनर्स लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, तो स्कूल के बच्चे उनको खंभे से उतार रहे हैं, उनको नीचे फेंक रहे, पाड़ रहे हैं। आप पहले ये वीडियो क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। दाढ़ियां रख लेने से, पगड़ियां सजा लेने से दीन की ठेकेदारी नहीं मिल जाती। कलीन शेप है, दाढ़ी नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है। नबी को अपना कहा, आश के रसूल बना, यूएनओ में जाकर बताया कि नबी का जो दर्द है वो दिल में रखता हूँ, जुबान पर रखता हूँ, तुम मेरे नबी के बारे में ना। ये पुलिस की जानिब से असाज़ा के ऊपर और फायरिंग, हवाई फायरिंग शुरू हो चुकी है और ये तलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है, हवाई फायरिंग की जा रही है। ये देखने आप, 90 तलवा के ऊपर हवाई फायरिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से। नजरीन, आपने देखा कि बच्चे किस तरह नवाज शरीफ से नफरत का इजहार कर रहे हैं। यकीनन बच्चों का ये तरीक़ेकार एहतजाज का ठीक नहीं था, मगर आप सोचे कि आखिर ये बच्चे इस हद तक पहुँचे कैसे। आखिर इन लोगों की गलती क्या है कि जो लोग इनसे इतना नफरत करते हैं। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि ये वो शऊर का जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है। यानी पहले कभी भी ऐसे मनाजर देखने को नहीं मिले। अब आने वाली नस्ल को मालूम हो चुका है कि उनके मुस्तकबिल की तबाही का जिम्मेदार कौन लोग हैं, और यकीनन अब वो जान चुके हैं और अब उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग खुद अपना रिएक्शन दे रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस बच्चों के ऊपर हवाई फायरिंग कर रही है, बच्चों को डरा रही है, धमका रही है। यकीनन बच्चों के एहतजाज का तरीका गलत था, लेकिन पुलिस को ये नहीं चाहिए कि वो बच्चों के खिलाफ इस तरह का रिएक्शन दे, और ये चाहती हैं कि बच्चे डर जाएं स्कूल और कॉलेजेस के और दोबारा इस तरह का एहतजाज नहीं करें। हालांकि माशरे में लोग एहतजाज करते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे एहतजाज करते हैं, मगर पुलिस को ये हक हासिल नहीं है कि वो बच्चों के खिलाफ हवाई फायरिंग करें और उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन ले। आप इस वीडियो के हवाले से अपनी राय लाजमी दीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।